पहली बार न्यूज नाउ और सीआरपीएफ 119 बैटेलियन ने एक शाम वीर जवानों के नाम शीर्षक ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों के सामने रखा है, आप लोग खुश है कि नहीं? हमने देखा है कि मैं लगभग दोपहर से यहां पे था तो हमारे जवानों की जो कर्म निष्ठा है वो उसको देख के मैं काफी अभिभूत हूं। और हम आप सबको स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। आज एक स्वाधीनता दिवस शुभ मुहूर्त आम सको एकत्रित प्रथम बार न्यूज नाउ और सीआरपीएफ 119 बेटेलियन सौजन्य एटी सन्ध्या वीर जवान नाम সকলে ডাঙরক বাতলা করক। ধন্যবাদ। मैंने एक हाल ही में एक मूवी देखा था जो शायद आप लोग जवानों के ऊपर ही उसको बनाए थे, तो उसमें एक छोटा सा डायलॉग थे, मैं बस बोलूंगा, देखना चाहता हूँ कि आप लोग का रिफ्लेक्शन कितना आता है। हाउ द जोश, बहुत बहुत बढ़िया। हम अपने कार्यक्रम के शुभारंभ करते हुए पहले हर मांगलिक कार्य का दीप प्रज्वलन करते हैं। हम मंच में आमंत्रण करते हैं सीआरपीएफ के आईजी माननीय सुधाकर उपाध्याय जी, माननीय सर को हमारे न्यूज नाउ के ओर से हम मंच पर आमंत्रण करते हैं। हम मंच पर आमंत्रण करते हैं कमांडेंट राजेश कुमार जी, रंजीत कुमार बड़ुआ जी, अनिल कुमार सिंह, सलीम कुमार एस सर को, हम सभी को मंच पर आमंत्रण करते हैं। हम मंच पर आमंत्रण करते हैं न्यूज नाउ के चैनल के स्वत्वाधिकारी माननीय उत्पल दास जी को। माननीय उत्पल दास जी, एक जोरदार हाथ ताली दीजिए उनके लिए जिन्होंने ये पूरे कार्यक्रम का आज आप लोगों के सामने लाया है। मंच पर हम आमंत्रण करना चाहते हैं जोरहाट के माननीय पुलिस अधीक्षक श्रीजुत वैभव चंद्रकांत निम्बलकार सर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, वो कुछ ही पल में हमको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और ये दीप प्रज्वलन के जरिए आप लोगों के सामने आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। আজির এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার যে আমি আরম্ভ করবলৈ লৈছো সেয়া এটি পবিত্র বন্তি প্রজ্বলনেরে আমি আরম্ভ করছো। এই মুহূর্তত আমি সকলো ইয়াত খুব সুখী আর আনন্দরে এটি সন্ধ্যা পার করবর কারণে আমি সকলকে আপনার সহযোগিতা কামনা করছো। মাননীয় অনিল কুমার সিং স্যার আর সলিম স্যার কম মঞ্চ পর দীপ প্রজ্বলন মে সহযোগ করতে গেলে আমন্ত্রণ করতে হয়। इस मौके पर न्यूज नाउ के विशेष आमंत्रण पर हमारे साथ मौजूद है, हम सभी महानुभाव को थोड़ा मंच में चाहते सर, हम सभी को थोड़ा सा मंच में चाहते हैं। और हमारे तरफ से न्यूज नाउ के चैनल के डायरेक्टर माननीय उत्पल दास जी, हमारे जो असम का जो परंपरा है एक एक फूलाम गमुछा से सभी को अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मौजूद है राज्य के जाने माने पत्रकार तथा पूर्वांचल प्रहरी के स्थानीय संपादक माननीय पीके सिंह जी, हम पीके सिंह सर को मंच पर आमंत्रण करते हैं। राज्य के पत्रकारिता जगत में पीके सिंह सर ने 40 साल पूरा कर चुके हैं और वो भी जो आसाम के बाहर से है। और ये पहले व्यक्ति है जिसको राज्य सरकार की तरफ से पत्रकारिता का पेंशन मिला था।
और अब हम हमारे उत्पल दास जी से अनुरोध करेंगे सभी महानुभाव को हमारे परंपरा फूलम गमछा से सम्मानित किए। पहले हमारे माननीय कमांड अजीत सर को और सभी को हमारे मुख्य संपादक उत्पल दास जी के फूलम गमछा से सम्मानित करेंगे। हाथों की जोर कम हो गई लगता है। हम माननीय सुधाकर उपाध्याय सर से अनुरोध करेंगे कि आज के जो हमारे जो प्रयास है उसको लेकर आप कुछ अपना जो जो भी हो कुछ आप बोले सर। आज जो हम लोग का ये जो प्रयास है जवानों के साथ आप लोगों के सहयोग से क्या कहना चाहेंगे सर? ये आपका बड़ा सराहनीय प्रयास है कि आप सीआरपीएफ के जवानों के साथ इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पहले भी इस तरह के कार्यक्रम जेएनके छत्तीसगढ़ में हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में शायद ये पहला ही कार्यक्रम होगा। आपकी इस इच्छा का हम स्वागत करते हैं एंड इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे बीच मौजूद है जोरहाट के माननीय पुलिस अधीक्षक वैभव सर। सर के साथ मेरा पहचान काफी पुराना है क्योंकि हम मिलते रहते हैं। और एक बात बता दो, आज ये कार्यक्रम जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसका श्रेय जो है वो जाता है माननीय अनिल सर को। सर को बस हमने एक बार फोन किया, सर हम जवानों के साथ एक शाम बिताना चाहते, सर ने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। हम बहुत ही कम समय शब्द में आपसे जानना चाहेंगे सर कैसा लगा? माननीय आईजी सर और सभी सीनियर ऑफिसर्स प्रेजेंट हियर और यहाँ पे उपस्थित न्यूज नाउ के सभी वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ पे मेरे सहकर्मी सब जवानों को मेरा सादर प्रणाम और आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सबको। आज का आपका सचमुच एक सराहनीय उपक्रम है, वीर जवानों के साथ एक शाम। हम लोग हमेशा कमराडरी की बात करते हैं, हम लोग फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, लेकिन एक साथ आके हमें जैसे काम भी करना चाहिए वैसे ही एंजॉय भी करना चाहिए। सो आज ये देशभक्ति पर इस मौके पर हम लोग एकत्रित हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सराहनीय उपक्रम है और जोरहाट जैसे असम की सांस्कृतिक राजधानी में हो रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा आनंद है सभी को। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम्स आप लेते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। हम सबसे पहले आप सबको एक बात सूचित करना चाहता हूँ कि आज के जो कार्यक्रम है ये बहुत ही कम समय में आयोजन किया गया है और हमारे निमंत्रण पर राज्य के कई जाने माने कलाकार आप लोगों के सामने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है प्रदर्शन करेंगे और साथ ही आप लोगों का जो सहयोग है इस सहयोग के लिए हम पुनः आप लोगों को धन्यवाद करते हैं और शुरू करते हैं एक शाम वीर जवानों के नाम। এটি সন্ধ্যা বীর জওয়ানের নামত জোরদার তালিয়া। ধন্যবাদ। हम मंच पे आमंत्रण करना चाहते हैं हमारे पहले सांस्कृतिक कलाकार आपके मनोरंजन के लिए आपके प्यार के लिए आए हैं। उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमको इस कार्यक्रम के लिए एक पैसा पेमेंट चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे लिए आप लोग इतने करते हैं
और आपके लिए ये बस हमारे एक छोटी सी प्रयास है। मैं कुछ और कहना चाहूंगा कि हमारे जो कलाकार हैं, इन कलाकारों में से कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर परिवारों से हैं, जिन लोगों का रोजी रोटी इस सिर्फ डांस प्रतियोगिता अथवा ऐसे कार्यक्रमों से ही चलता है, मगर उन बच्चों ने भी जिसका पढ़ाई का खर्चा डांस करके निकलता है, उन लोगों ने कहा कि हमें एक बार बस जाना है और हमारे उन भाइयों को हमें मिलना है जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। और वो बात किसी बड़े डांस एक्टर ने नहीं, कोई बड़ा कलाकार ने नहीं, एक छोटे से बच्चे ने कहा है जो कुछ देर बाद आप लोगों के सामने मंच पे होगा। धन्यवाद। सीनियर ग्रुपर या प्रोग्राम आप लोगों के सम्मुख आमी उपस्थित कराइछो। एटी जोरदार हाथताली रे तेखे सकलक स्वागतम जनाओ। आप लोगों हाथताली सहारे तेलुकर मनोबल बढ़ात बहुत खिनि सहाय करिबो। न्यूज नाउ और सीआरपीएफ 119 बटालियन की संयुक्त तत्वावधान में पहला प्रयास आप लोगों के सामने, एक शाम वीर जवानों के नाम, जो शायद सांस्कृतिक राजधानी जोरहाट में पहली बार किया गया है। न्यूज नाउ के पिछले 4 साल के इतिहास में यह पहली एक कार्यक्रम है जो हम जवानों के बीच आके आयोजन किया है। तो हम चाहते हैं कि सभी जवानों की सहयोग और अभिनंदन हमारे जो कलाकार हैं उनको प्राप्त हो। धन्यवाद। नजारा स्ट्रेबल और बेस का, सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं जम के मगर झाड़ दूंगा, हिचको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा, तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बटे गाड़ दूंगा।
परवाह नहीं, माही मेरा रब है, मेरी माही मेरा वीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं। नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है, नाचूंगा नाचूंगा दिल मजबूर है, आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है, मैं जीतू या हारू मुझे नाचना जरूर है, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है। एक बार जोरदार हाथ, एक बार जोरदार अभिवादन कीजिए हमारे इन नन्हे कलाकारों का। हम सबसे पहले आप लोगों का नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, की नाम तुम्हारा? बापू सिमरन रवि लोहिया, संजय गोगोई, आपका नाम क्या है? सौम्या। सौम्या, एक जोरदार हाथ, जोरदार अभिवादन सौम्या के लिए। आप? अगर अंदाज ऐसा है तो आगाज कैसा होगा। इन बच्चों की इन प्रतिभा ने इस बात को हमें जरूर चिंता करने पर मजबूर किया है। तो एक बार जोरदार अभिवादन के साथ हम आपको फिर मिलेंगे, अब तक अपना ड्रेस चेंज कर सकते हो आप लोग। प्रियंका, इस बार कौन आ रहा है? इस बार तो आ रहा है, अभी जैसे हम लोग फिजिकली बहुत फिट है, हम लोग मेंटली वैसे स्ट्रांग है, और हम लोगों के अंदर बहुत सारा टैलेंट भी छुपा हुआ है, वही एक टैलेंट आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं। अभी हम अनुरोध करने जा रहे हैं CTGD PJ पाठक जी को, जो हमारे लिए, आप सभी के लिए एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमेशा कहते हैं कि पाठक साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो खाकी वर्दी के पीछे रहने वाले एक कलाकार है, तो जोरदार स्वागत कीजिए मिस्टर पाठक। माननीय शिक्षक डॉक्टर उपाध्याय, माननीय IGP सरदेव जोरहाट, कौदिन महोदय, टोएसी महोदय, जनतन साथियों, अब तुम्हारे
आपके बीच आपके जवान जिन्होंने वर्दी पहनकर हम जैसे को सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और आपके गले में सचमुच सरस्वती विराज करते हैं। धन्यवाद पाठक जी, धन्यवाद। पीजे पाठक अपना कमी बहुत बहुत धन्यवाद जनाइसु अपना जी खुलीला वॉइस আর ইমান এটা ইমান এটা ধুনিয়া এটা দেশভক্তিমূলক গীত তেখেতৰ ভয়েসত ইমান ধুনিয়াকৈ মিলি পৰিছে যে আমাৰ কাৰ নোম শিয়ৰি উঠিছে। এটা হাত চাপৰিৰে তেখেতক এবাৰ পুনৰ ধন্যবাদ জনাবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনালো। হম মঞ্চ পে আমন্ত্ৰণ কৰতে হে নিউজ নাও কে মুখ্য সম্পাদক চেনেল হে মাননীয় উৎপল দাস জি কো আর হম आप सब सबको ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच आखिर आ चुके हैं हमारे जोरहाट के माननीय उपायुक्त महोदया रोशनी अपरन जी कराटी मैम, हम हमारे चैनल के माननीय उत्पल दास जी को हमारे डीसी मैम को मंच तक लाने के अनुरोध करते हैं और साथ ही
हमारे असमिया परंपरा एक फूलाम गमछा से उनका अभिवादन करने की अनुरोध करते हैं। वेलकम मैम। वेलकम मैम। एक जोरदार अभिवादन। ए आमार सौभाग्य और देखे तो आमार मजत हुआ तो ए आमार सौभाग्य। मैम सीआरपीएफ 119 बटालियन और न्यूज नाउ, आप तो जानती है न्यूज नाउ ये चैनल जिसके लिए आज आप लोगों के सामने है वो है मैम। इस चैनल को खोलने के लिए मैडम ने अनुमति प्रदान किया था तो हम बहुत आभार है। क्या कहना चाहेंगे आज के हमारे इस प्रयास को मैम? I want to wish everybody a very happy Independence Day. It is very nice to be here with the 119 Battalion of CRPF and to enjoy the cultural evening. I would especially like to thank News Now for taking part in this program so actively. Hokoluke namaskar janai. Mor baktibo amane marse namaskar. Dhanyawad. Dhanyawad ma'am. Dhanyawad sir. कौन आ रहा है हमारे बीच इस बार? इस बार हम आमंत्रित करने जा रहे हैं सीटीडीटी अनूप द्वारी जी को, जो हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनका ही एक प्रस्तुत किया हुआ डांस नृत्य देखिए पाम। तखे खूब सुंदर भावे आमार कारणे आपनलोक सम्मुख प्रस्तुत करिबले गए। धन्यवाद। धामलो दिल को सद ये जमीन चूम कर सब कहो झूम कर
तो आपका ये डांस ने हमारे शरीर पे जुनून ला दिया। अब बताइए कहाँ से हैं आप? बंगाल से हैं सर। तो बंगाल से हैं आप, तो आप तो रसगुल्ले तो बहुत पसंद होंगे आपको, तो आवाज भी रसगुल्ले की तरफ ही होंगी। एक गीत आप गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। है मेरे वतन के लोगो, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए जरा उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगो। Very nice. बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज न्यूज नाउ और 119 बैटालियन के जो संयुक्त प्रयास है आपके सामने, हमारे इस प्रयास का अंतराल में जो है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो जवान हैं, जो कोई घर से दूर हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे लिए दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, आप हमारे लिए तैनात हैं। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, मगर ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रद्धा हमारे जवानों के लिए है, हम आपको ऐसे ही देते रहे। तो एक बार आप लोगों के सामने एक नन्हे कलाकार, कौन आ रहे हैं इस बार? इस बार हम बुलाने जा रहे हैं पापू रेगन को, जो डांस अकादमी कांचन डांस अकादमी के ही है। पापू रेगन, और पापू रेगन के पश्चात हमारे मंच पे होंगे राज्य के जाने माने कलाकार हिमाश्री गगोई। तो पापू रेगन के बाद हम हिमाश्री और उनके सहयोगों को पूरी तरह से मंच के पास रहने के लिए अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बेटा। अब आप लोगों के सामने राज्य के जाने माने, हमारे सबके मनपसंद युवा पीढ़ी के एक अच्छे कलाकार हिमाश्री गोगोई अपना गीत प्रदर्शन करेंगे। इससे पश्चात मैं उनके जो सहयोगी हैं उन लोगों को मंच में आमंत्रित करता हूं, वो अपने जो सामग्री है वो फिट कर ले। और मैं जाना चाहता हूं जवानों के पास, हमारे जो जवान भाई हैं, हम थोड़ा उन लोगों से बात करना चाहेंगे, अगर हमारे माननीय आईजी साहब का परमिशन हो तो। हमारे
कहाँ से सर? बंगाल, और रसगुल्ला पसंद कौन सा है आपको, रसगुल्ला या बंगाल? क्या कहना चाहेंगे आप लोगों का, जो जिंदगी होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, घर एक तरफ लोग एक तरफ, यही आप लोग का परिवार, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस होता है? वैसे आप क्या पसंद करते हैं, गाना डांस ऐसे कुछ कुछ गुनगुना दीजिए ना बंगाली में थोड़ा बहुत, आज आपका ही प्रोग्राम है, हम लोग आपके पीछे कुछ गुनगुना दीजिए, बंगाल की जो ब्यूटी है वो जी बंगाली गाना। জেগে থাকো আমাদের মাঝখানে, বড় বড় অনেক জোরদার হাত, অভিনন্দন আমাদের দাস বাবু কে লিয়ে, হাম আপকে লিয়ে গানা গুনগুনানা চাহতে। বেসে তো মে সিঙ্গার তো হু নাই, মগর আপকে জো প্রয়াস জো কে ইসলিয়ে আপকো ভি মে শুনানা চাহতো কি মে কিতনা খারাপ গাতা হু। আর না রে না আর তো পারে না, মন আমার যাচ্ছে ভালো এই মিষ্টি যন্ত্রণা। ধন্যবাদ, এ আপকে লিয়ে। আমি আমার বিহার সে কোন হ্যায় ভাই, স্যার আপসে জাননা চাহতে হ্যায়, আপ কহাঁ সে স্যার? কিতনা সাল হো গয়া আপকো ফৌজ মে? 8 সাল হো গয়ে। আজ কা জো ইয়ে জো কার্যক্রম মে জো আয়োজন হ্যায় কেসা লাগা আপকো? বহুত আচ্ছা লাগা স্যার, পুরি তরহ সে বহুত আচ্ছা। घर की याद कब आती है सर आप लोग? परिवार में कौन कौन है सर? मम्मी पापा, बड़े भाई, छोटा भाई। मतलब आप कुमार हैं अब तक? नहीं सर। चलिए मम्मी पापा याद गए, घर वाले भूल गए। चलिए चलिए सर, कहाँ से सर? तो आप मेरे साले हुए, मेरे घर वाली बोर पे टंगी। चलिए कोई तो रिश्तेदार मिल गया यहाँ पे, बरपेटा और होली, ये दोनों तो आपका सबसे बड़ा त्योहार है, एक होली गीत भी बना दीजिए सर। कौन है पल्ला है कोई तो गीत इसमें बासी बजाए को अभिवादन कार्तिक दास। चलिए सबके बीच एक घरवाला तो मिल गया, कम से कम घरवाली माफ कर देगी, तुम आज देर से आयो कोई बात नहीं, भाई से मिल गए आयो, घरवाली दूसरा सरदार जी। सर पंजाब ठीक बढ़िया, कितने साल हो गए आपको? 3 साल हो गए। घर और फौज दोनों आपकी फैमिली है, तो क्या महसूस होता है खासकर बैसाखी के समय? बैसाखी के समय गांव जा जाता है और काफी बातें हैं जो बोलते हैं, जो बता नहीं सकते हैं, घर में बोलने जाए तो इसमें होता है, लेकिन घर की याद आती है, लेकिन जब भी फैमिली की तरह है, सब भाई बहन हैं, सभी हमारे यहाँ एक परिवार है। शादी हो गया आपकी? अरे वाह, सरदार जी सबसे बड़े परेशान में है कि शादी अब तक नहीं की है। चलो सरदार जी एक भंगड़ा बाद पंजाबी है,
पंजाबी है भाई, लोग कहते हैं ना एक जगह में दो आदमी कभी नहीं हो सकते, एक बंगाली दूसरा पंजाबी। सच में बोल रहा हूँ, एक तो एकदम शांत और दूसरा बल्ले बल्ले जोरदार। हमारे दक्षिण से कौन है भाई? साउथ से। आपके पास, आप लोग घर से दूर इतने दूर हो? अच्छा, यहाँ के फैमिली भी होंगे ना शायद बहुत सारे? मैडम आप कहाँ से हो? नलबाड़ी। अपना यहाँ थे हसबैंड? নলবাড়ি। কোন জায়গা? নলবাড়ি, জাজিয়াবাড়ি। নলবাড়ি রাস খুব ফেমাস। কেনে মনত রাসত কেনে মনত পড়ে নাই কর রাসত যায়? সঁচাকে হরি মন্দির রাস চাই নে থিয়েটার চাই ঘুরি ফুরে গোটে খন? সেইটোই কয় যে নলবাড়ির মানুষ আর থিয়েটার। ধন্যবাদ। আমার পাশ আই যে তোরা মাইনা, थोड़ा मैडम से बात करना चाहिए। मैम कहाँ से आप? यूपी से। यूपी कौन जगह? मेरठ से। बहुत खूबसूरत जगह है। तो आपके हस्बैंड फौज में हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? आप थोड़ा खड़े होंगे तो आपको, तो कैसे मैनेज करते घर परिवार इतना दूर, तो एक तरफ फौजी की वाइफ, प्राउडनेस भी है और घर भी संभालना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फौजियों से ज्यादा हिम्मत वाले उनके बीवियां होती है। एक ऐसे ही व्यक्ति है जो अपने पति को दूसरों की सुरक्षा के लिए भेज देते हैं, तो हैट्स ऑफ मैम, हैट्स ऑफ ऑफ यू। अपने वाइफ के लिए जिन्होंने घर परिवार सब कुछ मैनेज करके आप सबके पास है, मैं थोड़ा थैंक्स अ लॉट, आपने हमें ये मौका दिया। सर फौज में तो आप कई सालों से है, तो एक तरफ आपकी खुद की फैमिली, एक तरफ ये फैमिली, क्या महसूस होता है सर एक फौजी हो से नाते? पूरे साल में हम लगभग अपना ऑलमोस्ट 12 महीने में 10 महीने जवानों के साथ रहते हैं, इसलिए यही मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरे फोर्स हैं, यही मेरे शक्ति हैं, यही मेरे पावर हैं। जो भी सुख दुख इन्हीं के साथ बांटना होता है एज ए कमांडर, एज ए पर्सनल रिलेशन, सब कुछ इनके साथ। और लाइफ का ऑलमोस्ट हाफ टू मोर टाइम इनके साथ हम बिता देते हैं, यही एक हैबिट में हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तरफ घर, एक तरफ फौज, एक तरफ देश की सुरक्षा, कैसा महसूस होता होते एक फौजी, फौजी को कैसा महसूस होता है सर? देखिए, ये जो हम लोग फौज में आए हैं तो घर, घर तो घर है, बट यहाँ जब आते हैं तो जो आप देखिएगा यहाँ जो हमारे जवान हैं, ये पूरे देश से, कोई साउथ से आया है, कोई पंजाब से, कोई कश्मीर से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से भी है, और ये सभी के साथ जब हम काम करते हैं एक भाईचारा है। और हम लोग, सर ने जैसे बताया कि साल में 2 महीना मैक्सिमम 3 महीना हम घर पर रहते हैं और 9 महीना इन्हीं के साथ रहते हैं, तो ये घर से दूर है बट घर ही है हमारा, क्योंकि जीवन के जो महत्वपूर्ण अभी उम्र होती है, आप 20 से लेके 60 साल तक चलती है, तो आपका जो जीवन का जो मेन जो पार्ट होता है वो आपको फौज में ही जाता है, तो हम तो फौजी है, तो लाइफ टाइम हमारा यही है, मतलब मैक्सिमम तो हम इसी में जीते हैं। धन्यवाद सर। सर आप एक से बात जानना चाहता हूँ, आप जैसे सिविलियन और फौजी एक अलग अलग, मतलब रहन सहन, कायदा कानून, जो नियम जो होता है, जैसे हमारे आसाम में कहावत है, आसाम में जो लैंड ऑफ लाहेला है, मतलब आसाम एक ऐसा जगह है जो हमेशा धीरे धीरे चलता है, तो जब किसी सिविलियन के साथ आप लोग का कोई डील होता है, मतलब कोई मीटिंग होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग तो टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो इसके लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? हर व्यक्ति को ये जो टाइम बाउंडिंग है उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? निश्चित है, जो फौज में मतलब एक टाइम की एक पाबंदी होती है, हम एक हर एक टाइम पे, हम टाइम पे ही रहते हैं, तो पूरा ही देश के हर एक सिविलियन टाइम पर है तो फिर सब अच्छा ही होगा और कोई समस्या ही नहीं होगी फिर तो। धन्यवाद सर। मैं पुनः हमारे वरिष्ठ पत्रकार पी के सिंह सर के पास समक्ष आता हूँ। सर आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, आपके घुटनों पे दर्द है मुझे बताएंगे। सर कैसा माहौल है, आप कैसा लग रहा है सर आपको फौजियों के बीच? हमेशा पत्रकारिता, वैसे बोला जाता है कि पुलिस और फौजी की बनती नहीं, सॉरी पत्रकार और फौजियों की बनती नहीं, तो आप पत्रकार हैं, आपने 40 साल आसाम में पत्रकारिता किया हुआ है, सर बिहार से मगर आसाम के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है,
जिसको पहली बार राज्य सरकार ने पत्रकारिता का पेंशन दिया था, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमने बहुत सारे कल्चरल इवनिंग्स देखे हैं, कल्चरल नाइट्स देखे हैं, लेकिन इस खुशनुमा माहौल में, इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में बैठ करके हम अपने उन लोगों के साथ एक माहौल देख रहे हैं जो रात में जागते हैं और उनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। हम चैन की नींद सो पाते हैं, हम लोग सुकून के साथ दिन गुजार पाते हैं, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा के जवान हमेशा चौकस रहते हैं, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि हाँ, ये जो माहौल है प्रकृति की गोद में है, वो किसी कविता की दो पंक्तियां अचानक याद आ गई। उस देश को दुश्मन क्या मिटा पाएंगे जिनकी रखवाली कुदरत करती हो, उस देश को दुश्मन क्या मिटा पाएंगे जिसकी रखवाली कुदरत करती हो, हर वो आंख जो इस तरफ उठेगी उसकी निगाहबानी कुदरत करती है, और यह है हमारा देश, यह है हमारा देश। धन्यवाद सर। हमारे बीच हम आते रहेंगे, बीच बीच में आप लोगों के थोड़ा मजाक मस्ती के, हम भी पत्रकार है हमेशा सुबह से लेकर रात तक, और बेसिकली मैं क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म हूँ, तो मेरा पल्ला हमेशा चोरों चक्कों से ही पड़ता है सर। ऐसा प्रोग्राम पहली बार मैंने एंकरिंग किया है, वैसे मुझे हमेशा टॉक शो में ही बिठा देते, इसके गाले सुनो, उसको गाले सुनो, तो थैंकफुल टू न्यूज नाउ कि मुझे आज ये मौका दिया, थैंक्स टू अनिल सर कि हमें ये मौका दिया गया, और सबसे पहले और सबसे अंत में जिस व्यक्ति का नाम लूंगा वो है हमारे माननीय उत्पल सर। सर, आपके दिमाग में ये बात कैसा आया, आप असमिस में भी बोल सकते हो, आपके दिमाग में कैसा आया कि एक फौजियों के साथ, जवानों के साथ एक इस कार्यक्रम किया जाए? मैं प्रथम आज शुभ संध्या स्वाधीनतार 73 বছৰ আমি অতিক্ৰম কৰিলোঁ। এই শুভক্ষণত উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰসমূহ ৰাইজক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ। ইতিমধ্যে খুব সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ কংকণ শৰ্মাই, লগত নেভিমেৰেও সহযোগ কৰি আছে খুব সুন্দৰভাৱে। যিহেতু কংকণ শৰ্মাই মোক ক'লে যে কেনেধৰণে আমি এই চিন্তাটো কৰিলোঁ, আচলতে এই চিন্তাটো অকল ময়ে কৰা নাই, মোৰ লগত কংকণ শৰ্মাও আছিলে, তেখেতে ক'লে আমি মাত্ৰ এটা দিনত, চিৰ্ফ এক দিন মে হম ইয়ে কিয়া কে বীর জবানোনে হম সবকে লিয়ে ইতনা কৰতে হে জেসে হম লোক সুকুন সে জি পা রহা হে, ইসলিয়ে হম সোচা কে জবান বীর জবানো কে লিয়ে হম এক দিন এসা কুছ কর দিখায়ে, এসে তো বহুত কম হে, ফির ভি হম কোশিশ কিয়া হে কে আপ লোগ কে সাথ এক শাম হম বিতায়ে, আর সবি কো মেরি ওর সে আর নিউজ নাও কি ওর সে ধন্যবাদ, কিউকি আপ লোগ আয়া, আপ লোগ কা মহত্বপূর্ণ সময় কাফি হম লোগ কা পাস আয়া, আর মে যোরহাট জেলার মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়কো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো, তথা আরক্ষী অধীক্ষককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো, যেহেতু তেখেতসকলৰ বহুমূল্য সময় খৰচ কৰি আমাৰ মাজত থাকিলে। পুনৰবাৰ মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু সকলোৱে একেলগে কম জয় জৱান, জয় জৱান, জয় জৱান। ধন্যবাদ। ফিৰ আতে হে সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰম কি ওৰ, হামাৰে বীচ আব আয়েঙ্গে ৰাজ্য কে জানে মানে যুৱা কলাকাৰ, तो हम सबसे पहले हिमाशी गोगोई का अभिवादन करने के लिए मैं माननीय उत्पल दास सर को अनुरोध करता हूं। मंच पर युवा कलाकार हिमाशी गोगोई और हमारे माननीय चैनल हेड उत्पल दास
न्यूज नाउ की ओर से हिमा सिंह गोगोई को एक फुलाम गमछा से अभिवादन करेंगे। तो मैं सबसे पहले हिमा सिंह आपको मंच में आमंत्रित करता हूं। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, 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 मंच पे हेलो हेलो हिमा सिंह गोगोई युवा कलाकार हाय टू डिबो हेलो चेक हेलो और न्यूज नाउ के चैनल हेड उत्पल दास को हम आमंत्रण करते हैं मंच पे। एक जोरदार अभिवादन हिमा सिंह गोगोई राज्य के युवा कलाकार और आज खास आप लोगों के लिए हमारे आमंत्रण पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले न्यूज नाउ की ओर से हम उनको हमारे असमय परंपरा फुलाम गमछा से उनके अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ हिमा सिंह गोगोई, आई एम सो सो हैप्पी एंड ग्लैड टू सी यू ऑल हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सटेंड माय ग्रैटिट्यूड टू ईच वन ऑफ योर प्रेजेंस हियर। हम आज यहाँ जिसकी वजह से खड़े हैं इधर, मैं उनके लिए ये गाना गाना चाहती हूँ मतलब हमारे देश के वीर जवानों को सम्मान करते हुए मैं ये गाना गाना चाहती हूँ। अगर कोई भूल चुक हो जाए तो आप लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। आँख में भर लो
हेलो सो मच। जय हिंद, जय हिंद की सेना। क्या हुआ, बहुत गुमसुम बैठे हो? एक बार जोरदार अभिवादन दीजिए हमारे इस नए कलाकार के लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, हमारे कलाकार ने भी जब हमने कहा कि हम जवानों के साथ ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उस जवान भाइयों के पास जा रहा हूं जिनके लिए हम सुरक्षित घूमते हैं। तो हमारे एक कहने पर ये अब यहां पे आए, और इसके लिए उन्होंने किसी तरह की कोई परिश्रमिक का कोई, आप लोग समझ ही रहे हो, कोई पेमेंट उन्होंने नहीं लिया। तो एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए है। एक प्रोफेशनल सिंगर जो विदाउट पेमेंट सिर्फ इसलिए आए हैं कि जवानों के साथ उनके जो प्यार है, वो लोग वो जो समय बिताना चाहते सिर्फ इसके लिए। आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा लगा है? पहला गाना आपने लता दीदी का गाया है, जय हिंद की सेना। आपके सामने सभी सेनाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज रक्षाबंधन भी है, बता देता हूँ भाइयों, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा है आज इस मंच पर मैं खड़ी हूँ, सिर्फ न्यूज नाउ की वजह से। सो मैं न्यूज नाउ को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू न्यूज नाउ। थैंक यू। मैं परिचय करवाना चाहते हूँ हमारे जो ये सहयोगी है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अश्वत है, अश्वत जोनक बोरा, मैं कीबोर्ड प्लेयर हूँ। जवानों के बीच क्या कहना चाहिए? भारत माता की जय। तो धन्यवाद। मेरा नाम विजित दास है। और आप? रजत कुमार फुकन। परिचय तो चलता रहेगा, फिर समय है एक गाने का, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब लोग गुमसुम हो गए, माहौल बहुत, मतलब हम अपने पत्रकारिता के भाषा में बोलो तो तनावपूर्ण बन गया है। तो थोड़ा सबको नचाइए, एंजॉय कीजिए एक शाम जवानों के नाम। आपका कहने का मतलब कमर्शियल सॉन्ग्स गाना है? यस। ओके ठीक है।